आप सभी को कृष्ण कुमार का नमस्कार। क्या हम वे सभी COVID-19 बीमारी के प्रिकॉशंस को ले रहे हैं जो हमें लेना चाहिए? तो शायद नहीं। हम और आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जोड़ देखिए, आपको वो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी जो आप मिस कर रहे हैं। हम क्या इन चार बातों का ध्यान रख रहे हैं जो हमें रखना चाहिए? शायद हाँ भी और ना भी। हम बहुत हद तक अपने आप को इस बीमारी से बचाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम मिस कर रहे हैं। आप पहले वो बातें जानना जरूर चाहेंगे जो हम मिस कर रहे हैं। तो पहली चीज है डूइंग नमस्ते। जी हाँ, अब हमें हाथ मिलाने की जो प्रथा थी, जो हैंडशेक की प्रथा थी, इसको छोड़ के नमस्ते करना सीखना होगा। आज 4 मई 2020 से दिल्ली और देश के सभी राज्यों में कुछ ना कुछ गाइडलाइंस के थ्रू सभी को छूट दी गई है। सभी को छूट मिला है, मतलब ज्यादातर लोग आज बाहर निकलेंगे, दोस्त से मिलेंगे, पड़ोसी से मिलेंगे, अपने काम करने वालों के साथ मिलेंगे, और जाने अनजाने में फिर वही गलती करेंगे जो हम जानते तो हैं लेकिन मिस कर जाते हैं। क्या? हैंडशेक करना। तो प्लीज मिलने के बाद हैंडशेक को ना करें। अपने मन के अंदर, अपने आप के अंदर ये बात बिठा लें कि हमें हैंडशेक नहीं करना, ओनली नमस्ते। एक नमस्ते आप सबके जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। दूसरी बात, सोशल गैदरिंग यानी भीड़ इकट्ठा नहीं जमा होने देना। ये होता कैसे? बहुत छोटी सी चीजें। हम लोग अपने गली से थोड़ा बाहर निकले, हम देख रहे हैं गली के दूसरे कोने पे कोई हमारा दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी किसी दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है, और उसे हम भी जानते हैं। देख के मन के अंदर उत्सुकता तो उठती है, हलचल तो होती है। अब हलचल हुई तो हम सोचते हैं कि हम भी चलें। पहुंच गए दो तह पहले, तीसरे हम हो गए। और जी आप कैसे हो, ये सब बात करते करते हमने तीन थे, एक तीसरे पड़ोसी ने देख लिया, अब हम चार हो गए। और इस तरह से एक वहां पे भीड़ बन गई, चार पांच लोगों का एक समूह वहां पे जमा हो गया। तो कृपया करके इस छोटी छोटी चीजों से बचें आप, क्योंकि आज के रेट में किसी को हम नहीं जानते कि वो पॉजिटिव है कोविड बीमारी से या नहीं है, उसके अंदर वो लक्षण है या नहीं है। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है ज्यादातर लोगों को कि कोई लक्षण नहीं है और वो बीमारी मिल रही है, वो पेशेंट, वो व्यक्ति विशेष पॉजिटिव है। तीसरी बात, मेंटेन डिस्टेंस यानी दूरी को बनाए रखना है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम काफी लंबे टाइम तक अपने घर में रहें, इसके लिए हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि निजी जिंदगी को जीने के लिए हमें सब कुछ घर के अंदर ही अवेलेबल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ हमें बाहर से भी करना होगा, लाना होगा। हम उसके लिए बाहर निकलते हैं तो किसी भी तरीके से कहीं भी जल्दीबाजी ना मचाएं। जल्दीबाजी ना मचाने का सेंस ये है कि एक लाइन लगी है हर जगह, एक क्यू बना हुआ है, उसमें हम लोग हमेशा, हमारी थिंकिंग रहती है कि हम पहले जाके लें, और इसी चक्कर में हम डिस्टेंस को मेंटेन करना भूल जाते हैं। तो कृपया करके दूरी को बनाए रखें। आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि दूरी कितनी होती है, 6 फीट लमसम, 1 से 1.5 मीटर कम से कम आप इतनी दूरी बना के रखें। नहीं तो क्या होगा कि आप वहां दूरी बनाएंगे नहीं, सामने वाले के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं है, और ना ही होगा कि वो बंदा जिससे आप पास में थे, खड़े थे, बैठे थे, वो कोविड का पेशेंट है या उसके अंदर कोई लक्षण थे या नहीं थे, और आप संक्रमित हो जाएंगे। आप वहां से एज अ कैरियर उस बीमारी को लेकर अपने घर में आएंगे, अपने बीवी बच्चे परिवार के अंदर फैला देंगे, और जब तक ये पता चलेगा जब तक देर बहुत हो चुकी होगी। अब हम आते हैं चौथी बात पे, जो मेन बात है, जो हम सभी लोग को बहुत ध्यान से समझना है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें मिस कर रहे होंगे, वो है सेल्फ असेसमेंट का। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन मेडिकल फील्ड से हैं, जिनका कोई संबंध दूर दूर तक मेडिकल में या मेडिकल व्यक्ति के साथ नहीं होता, तो उन लोगों के लिए
प्लस जो लोग पैरामेडिकल हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, किस तरीके से मेडिकल में एकेडमिक में हैं या वो क्लिनिकल है, उन सभी के लिए जो मेरी बातें हैं सेल्फ असेसमेंट की, इसको जरूर सुनना चाहिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि सेल्फ असेसमेंट है, अपने आप को चेक करना है कि हमारे अंदर कोई साइन सिम्टम है या नहीं है, तो ये कैसे होगा? सर, मैडम, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत आसान है। हम बहुत आसानी से अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं और अपने आप को किसी भी बीमारी से बचा सकते हैं। सबसे मेन बात और पहली बात ये कि कोई भी जब बीमारी शरीर में हमारे जन्म लेती है, जब वो स्टार्ट होता है या होने के स्टेज में होता है या फर्स्ट स्टेज से मान लेंगे, जब हमें पता नहीं चलता कि हमारे को वो बीमारी बीमारी हुआ है या नहीं हुआ, तो उस केस में क्या साइन सिम्टम होते हैं? तो हमारे बॉडी के अंदर, मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी का जो तापमान है उसके अंदर बदलाव देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा, उसके अंदर वो बदलाव जो है आने लगेंगे। बस हमें ये जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, इसके अंदर का जो बदलाव है, हमें यही देखना है, इसे ही नोटिस करना है। और इसके साथ साथ हमें COVID-19 जो ये महामारी आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैली हुई है, इसके लक्षण देखना है कि क्या तापमान के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर कोई दूसरे लक्षण भी उसके प्रेजेंट है या नहीं है। ऐसा करके हम लोग शुरुआत में ही सतर्क हो सकते हैं और फिर हम डॉक्टर की सलाह ले लेंगे। डॉक्टर के पास सलाह लेने के बाद जो उनके द्वारा टेस्ट रिकमेंड किए जाएंगे, हम वो टेस्ट करा के अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने परिवार, उन सबकी भी हम जान की जो है रक्षा कर सकते हैं। और अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने परिवार के लोगों की जान भी बचा सकेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग इस बीमारी को शुरुआती स्टेज पे ही अगर अपने बॉडी के साइन सिम्टम से पता कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक संक्रमण का जो बाहर फैलना है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हम शुरुआती स्टेज पे ही अपने आप के अंदर ये साइन सिम्टम को समझ चुके हैं, हमने खुद अपने आप को सेल्फ असिस्ट कर लिया है, तो हम उसके प्रिकॉशंस को जानते हुए बाहर नहीं जाएंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे, अपने आप को क्वारंटीन कर लेंगे, तो ये बीमारी बाहर नहीं फैलेगा। उम्मीद है आप क्या मिस कर रहे हैं ये आपको पता लग गया होगा, आप समझ गए होंगे कि जानते हुए भी हम क्या मिस कर रहे थे। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आप अगले अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।